आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या इवेंट्स हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन से जुड़ी कौन कौन सी घटनाएं हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जो हैं क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उनके क्या गुण हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की भी बात हम लोग कर चुके हैं कि उनके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या चीज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लैंगिक प्रजनन में जो है कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती, क्या लैंगिक प्रजनन में घटना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इवेंट्स। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना क्या करते हैं, गैमिट्स पैदा करते हैं, क्या करते हैं, गैमिट्स पैदा करते हैं, जिसमें कि आपका क्या गैमिट्स, मेल गैमिट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और दूसरा ये क्या करेंगे, फीमेल युग्मक पैदा करेंगे, क्या करेंगे, फीमेल युग्मक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब क्या होगा कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है, एक तरीका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, तो नर क्या करेंगे, पेरेंट्स बॉडी जो है वो क्या करेंगे, नर युग्मक पैदा करेंगे, और फीमेल जो है वो क्या करेंगी, मादा युग्मक पैदा करेंगी। तो इस तरह से होने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो इसी मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन। नर और मादा के युग्मक जो है ना आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, क्या बोलते हैं, निषेचन। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, द्विगुणित संरचना बनती हैं, लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि जायगोट का निर्माण जो है कैसे हो रहा है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक द्विगुणित यानी कि 2N संरचना का निर्माण हो रहा है, यानी हैप्लोइड और हैप्लोइड, तो बन रहे हैं क्या चीज़, डायप्लोइड्स बन रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया जायगोट। और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। तो नर और मादा की भागीदारी यहाँ होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, और नर जो है यानी पुरुष जो है वह मेल युग्मक यानी नर युग्मक बनाएंगे, मादा जो है मादा युग्मक का निर्माण करेगी, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन के बाद जो है जायगोटिक सेल का निर्माण होगा, और इसमें जो है क्या होगा, डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशंस के बाद जो है एक नए जीव शरीर यानी कि इसके बाद जो है एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और भ्रूण में जो है विकास के बाद जो है एक नए जीव का विकास होगा, यानी नए संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। तो इन प्रक्रियाओं के दौरान क्या, इन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन के दौरान क्या होता है, तो इस यही आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इस कंडीशंस में क्या क्या चीज़, हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में घटनाक्रम में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं किस किस फॉर्म्स में। तो देखिए, पहला इवेंट्स जो है वो क्या होगा कि निषेचन के पहले का समय, निषेचन के पहले का समय, एक निषेचन स्टेज, एक ऐसा स्टेज जिसमें नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, मिलते हैं और जायगोट बनते हैं, और उनके बाद का जो क्या है, प्रक्रिया है। हम लोग इन सारे स्टेजेस को, चरणों को, इवेंट्स को हम लोग जो है कितने स्टेज में, तीन स्टेज में बांट सकते हैं, तीन फेज में। इसमें भी फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन, यानी निषेचन के
पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कौन सी जो है प्रोसेस होंगे, प्रक्रियाएं होंगे। तो पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो है वो है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया निषेचन। क्या बोले? निषेचन। और तीसरा जो है वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या नाम दिए? पस निषेचन, निषेचन। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हम लोग कितने तीन ग्रुप्स में बांटे, तीन घटनाक्रम में बांटे। पहला जो है वो क्या है? प्री, मतलब निषेचन के पहले का वक्त जो है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन, और जो आगे है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन पूर्व निषेचन की घटना, दूसरा निषेचन की घटना, और अगला जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि बाद का जो समय होगा वह क्या होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोले? मिलान को हम लोग बोले नर और मादा। इसके पहले क्या होंगे? तो ये आपके क्या है? नर शरीर है, ये पुरुष है, ये क्या है? मादा है। तो जब ये क्या होंगे? परिपक्व होंगे ना, मैच्योरिटी आएगी, तो ये क्या करेंगे? अपने जैसे नर शरीर क्या बनाएगा? नर युग्मक पैदा करेगा, और मादा शरीर जो है वो मादा युग्मक पैदा करेगा। तो इस कंडीशंस में पहला प्रोसेस जो है हम लोग कह सकते हैं ना कि निषेचन के पहले का जो वक्त है ना या इवेंट्स है ना, तो इसमें क्या होगा? गैमिट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? गैमिट्स बन रहे हैं। तो इसे गैमिट फॉर्मेशंस को हम लोग कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। क्या बोलेंगे? युग्मक जनन, युग्मक बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? जब हमारे जीव शरीर जो हैं परिपक्व हो रहे हैं। जीव शरीर मतलब यहाँ पर नर और मादा क्या हो रहे हैं? परिपक्वता आ रही है, तो उनसे क्या बन रहा है? शरीर जो है नर युग्मक पैदा कर रहे हैं, और मादा शरीर जो है मादा युग्मक उत्पन्न कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो इनको हम लोगों ने नाम दिया गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यानी कि जो है युग्मक पैदा हो रहे हैं, बना रहे हैं। कब? जब परिपक्व होते हैं तब। परिपक्व हो रहे हैं तभी ना बना रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है तभी बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? गैमिटो जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों गैमिट्स बन रहे हैं आफ्टर मैचुरेशन जीव शरीर के, तो क्या होना है? उन दोनों का जो है मिलन या संयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो संयोग जब होगा ना, तो संयोग को हम लोग क्या बोले? संयोग कब होगा? जब वे एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। वे एक दोनों के एक दूसरे के क्या आएंगे? करीब आएंगे। तब संभावना क्या होंगी मिलने की? वह ज़्यादा होगी। तो दूसरा हम लोग कह सकते हैं ना, क्या होगा? जब इंटरैक्शंस होगा, इंटरैक्शन एक दूसरे के प्रति खिंचाव होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना दूसरे भाषा में, जब निषेचन की प्रक्रिया कब होगी? जब वे एक दूसरे के करीब आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण। क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण। जब युग्मक बन जाएंगे ना, तो मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होकर के क्या करेंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे। क्या आएंगे? करीब आएंगे। तो क्या होना है? युग्मक का स्थानांतरण होना है। कब होना है? जब नर शरीर मादा शरीर ये क्या कर देंगे? प्रोड्यूस कर देंगे ना, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में स्थानांतरित होंगे, यानी कि एक स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग कितने दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो पहला हम लोग क्या देखें कि गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, गैमिटोजेनेसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे? युग्मक का निर्माण होगा। और दूसरा ट्रांसफर, क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होंगे। क्या होंगे? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक का स्थानांतरण।
जब युग्मक बन जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस बनेंगे, यानी एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, युग्मक तैयार होता है, इसको हम लोग क्या बोले, गैमेटोजेनेसिस। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी देखें ना, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो है दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं, गैमिटोस जिसका मतलब क्या होता है, गैमिट्स होता है, और जेनेसिस जो है, जेनेसिस जो है इसका अर्थ होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन, इसको निर्माण, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, युग्मक तैयार होंगे। क्या होंगे, युग्मक तैयार होंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशंस में पहले जीव शरीर परिपक्व होंगे, क्या होंगे, जीव शरीर परिपक्व होंगे और बनाएंगे युग्मक। नर जो है वो नर युग्मक बनाएंगे, मादा जो है वो मादा युग्मक का निर्माण करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया गैमेटोजेनेसिस। क्या दिया, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा जो है, जब ये परिपक्व हो जाएंगे ना, तो उन्हीं युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स होंगे, क्या होंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, युग्मक का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, तो ये कि विकसित प्राणियों और जीवों में, जंतुओं में क्या होता है, जो आपके क्या है, विकसित याद रखना है, यानी एडवांस, एडवांस्ड, विकसित जीवों में क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं ना, क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि चलनशील होगा, कौन चलनशील होगा, तो नर युग्मक ही चलनशील होते हैं। और मादा युग्मक क्या होगा, स्टेशनरी होगा, वह एक ही जगह पर पड़ा रहेगा। तो याद रखना है हम लोगों को कि लैंगिक प्रजनन की घटनाओं में पहला पूर्व निषेचन होता है, दूसरा जो है निषेचन होता है, और अगला जो है पश्च निषेचन होता है, बाद का जो घटना। पूर्व निषेचन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होते हैं, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स होते हैं। लेकिन ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स में पहले जीव शरीर परिपक्व होगा, युग्मक बनाएंगे, और वो युग्मक एक दूसरे के करीब होंगे। तो यहाँ पर जो जाने आने का जो मेथड है ना, प्रक्रिया है, वह मेल जो है ना, विकसित प्राणियों और किसमें, पेड़ पौधों में नर युग्मक क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि कह सकते हैं ना कि नर युग्मक यानी कि जो है मेल गैमिट्स कैसे होंगे, चलनशील होंगे। क्या होंगे, चलनशील, इसीलिए यहाँ पर देखिए मोटाइल, चोल और न चलनशील होंगे, यही चलेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। और मादा युग्मक चलनशील नहीं होते हैं। और एक बात कि ये क्या है, नर युग्मक चलनशील होते हैं, मादा युग्मक नहीं। लेकिन क्या है, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में क्या होता है, नर और मादा दोनों मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नर एंड मादा, क्या चीज, गैमिट्स, ये क्या होंगे, बोथ आर मोटाइल, नर मादा दोनों क्या होगा, चलनशील होगा, तब ना जाकर के क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, जिससे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगा। सवाल पैदा होता है कि क्या विकसित प्राणियों और पेड़ पौधों में जो है ना, नर युग्मक ही चलनशील क्यों होते हैं, और मादा क्या होता है, स्टेशनरी, स्थिर होता है। इसमें देखिए लोअर प्लांट्स एनिमल्स में क्या है, दोनों में चलनशील है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये सारे के सारे नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, मीडियम में छोड़े जाते हैं। किसमें, मीडियम में, माध्यम में छोड़े जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा ना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा ना, तो क्या होगा, वे आपस में एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो लोअर प्लांट्स एनिमल्स में है ना, इसमें क्या होता है, नर मादा दोनों युग्मक जो है ना, चलनशील होते हैं, एक दूसरे में मूवमेंट होता है, ताकि वो क्या कर सके, फ्यूज कर सके, क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, आपस में संयोग कर सके। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में गैमेट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन एडवांस मेंबर में क्या होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, स्थिर रहेगा। लेकिन अविकसित प्राणियों और पेड़ पौधों में क्या होता है, दोनों चलनशील होता है। क्या होते हैं, दोनों चलनशील होते हैं। लेकिन अगर हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करें ना, गैमेटोजेनेसिस की युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, गैमिट्स फॉर्मेशंस होते हैं। अब गैमिट्स होता क्या है, गैमिट्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या, गैमिट्स जो है ना,
यानी युग्मक जो है ना कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों को याद रखना है गैमेट जो है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं। इसको हम लोग तीन हिस्से में कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला आइसो आइसो, दूसरा एन आइसो और आगे जो है ओ गैमेट्स। क्या बोलेंगे? ओ गैमेट्स। क्या बोलेंगे? ओ गैमेट्स। अब देखिए युग्मक जो है यानी गैमेट्स जो है कैसे हैं, हैप्लॉइड्स हैं। और अगर हम लोग बात करें आइसो गैमेट्स की, आइसो मतलब होता है सिमिलर, क्या सिमिलर, सेम साइज का होगा। तो इस कंडीशंस में गैमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो गैमेट्स बोलेंगे। यानी गैमेट्स का यानी युग्मक का एक ऐसा प्रकार जिसमें जो है ना दो गैमेट्स आपस में क्या हो, संरचनात्मक दृष्टिकोण से समान हो, तो ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? आइसो गैमेट्स कहते हैं। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे ना तो क्या होगा? आइसोगैमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैमी, आइसोगैमी, जी ए एम वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोगैमिट्स जब फ्यूज करेंगे तो आइसोगैमी कहलाएंगे। उसी तरह से एनआइसोगैमी में क्या होता है, युग्मक जो है वो छोटे होते हैं और दूसरा क्या होगा? लार्ज होगा। तो छोटे वाले को हम लोग माइक्रोगैमिट्स कहेंगे और लार्ज वाले को यानी जो साइज में बड़े हैं उसको क्या बोलेंगे? मेगागैमिट्स बोलेंगे। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे ना तो क्या कहलाएगा? एन आइसोगैमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन आइसोगैमी कहलाएगा। और बात करें हम लोग ओगैमेट्स की, तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक बनते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है कि जो है एक नर युग्मक होंगे और दूसरा मादा युग्मक होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें मनुष्यों में या हायर एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में, पुरुष में क्या होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पर्म। और जो है फीमेल के द्वारा क्या किया जाता है? एग्स और ओवम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर क्या चीज़ कि यहाँ जो है ना नर युग्मक है, क्या है? मेल गैमिट्स हैं और ये फीमेल गैमिट्स हैं। तो ये क्या है? पुरुष युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक। अलग अलग गुण वाले हैं और अपोजिट सेक्स रखते हैं ये दोनों। तो इस कंडीशंस में क्या बोलेंगे? ओगैमेट्स बोलेंगे। यानी कि ओगैमेट्स को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं ना कि युग्मक का एक ऐसा प्रकार है। और यहाँ पर क्या होगा? नर और मादा जो है ना युग्मक शामिल होंगे। एक नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा होगा। इस तरह से एक पुरुष गैमेट्स होंगे यानी नर युग्मक होगा और दूसरा क्या होगा? मादा युग्मक होगा। तो इस तरह का गैमेट्स क्या कहलाएगा? ओगैमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओगैमेट्स कहलाएंगे। और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे ना तो क्या होगा? ओगैमी होगा। क्या होगा? ओगैमी। तो टर्म्स बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग टर्म? तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, जब गैमिट्स जो है ना, गैमिट्स क्या होगा? जब गैमिट्स यानी कि जब दो गैमिट्स जो है ना युग्मक जो है आपस में मिलेंगे ना तो क्या होगा? गैमी होगा। क्या होगा? गैमी यानी फ्यूजन, मिलेगा, फ्यूज कर जाएंगे, संलयन करेंगे। तो गैमिट्स, तो गैमी हो जाएगा टर्म। तो आइसोगैमी गैमिट्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या चीज़, जब दोनों युग्मक फ्यूज करेंगे तो आइसोगैमी लिखेंगे। जब अलग अलग साइज के क्या होगा? एन आइसोगैमी, एन आइसोगैमी होगा। और जब नर मादा रहेगा तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे? ओगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओगैमी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ओगैमी कहेंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हम लोग जो है ना किस तरह के गैमेट्स पैदा करने वाले जीव हैं? तो ओगैमेट्स पैदा करने वाले यानी कि यहाँ पर क्या है? नर और मादा युग्मक हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे ना, तो कहलाएंगे क्या चीज़? आइसो, एन आइसो और ओगैमी। क्या कहलाएंगे? ओगैमी। तो हम लोग किस तरह के यानी किस कैटेगरीज में आते हैं? तो ओगैमेट्स में आते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे हम लोग देखें फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन, इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में, यहाँ पर जो है एडवांस जो है मेंबर्स हैं वो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, चलनशील होगा, और मादा युग्मक जो है वो स्टेशनरी, स्थिर होता है। चाहे हम लोग हायर प्लांट्स की बात करें जिसमें पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो इन्हीं ट्रांसफर को हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं कि जब युग्मक का स्थानांतरण होगा ना इसमें पौधों में, तो इस कंडीशन में स्थानांतरण को हम लोग बोलते हैं परागण। क्या बोले? परागण।
और जंतुओं में, मनुष्यों में जब नर युग्मक क्या करेंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में इंसेमिनेट किए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रसेचन। सेचन क्या बोलेंगे, शुक्रसेचन। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि गैमेटोजेनेसिस की बाद जो है ना ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होते हैं, ट्रांसफर में क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करेंगे। क्या करेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करेंगे, तो परागकण स्टिग्मा तक जाएगा, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया परागण। तो परागण क्या है, एक प्रोसेस है, एक ट्रांसफर का तकनीक है, स्थानांतरण का एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स जो है वह पराग कोष से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ना, किस तरह से कि परागण यानी कि जो है पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है, किस चीज़ का, ट्रांसफरेशन का प्रोसेस है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इंटू सूटेबल स्टिग्मास। तो ये जो प्रक्रिया है ना क्या कहलाएगा, परागण, यानी पराग कोष से परागकण निकलकर कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो स्थानांतरण का यही जो है ना प्रोसेस परागण कहलाता है। उसी तरह से जो हायर एनिमल्स में, मनुष्यों में जो है क्या होते हैं, पुरुष के जो स्पर्म्स होते हैं ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शुक्र सेचन कहते हैं। तो ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, निषेचन के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ना कि नर युग्मक, अगर नर जो है यानी पुरुष जो है नर युग्मक बना रहे हैं, मादा जो है मादा युग्मक बना रहे हैं, तो इन दोनों का ट्रांसफरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी ट्रांसफर को हम लोग परागण और शुक्रसेचन के हैं। उसके बाद क्या होगा, इन्हीं दोनों का मिलान होगा, क्या होगा, इन्हीं दोनों का मिलान होगा, तो यही मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोले, नर और मादा का संयोग होगा, तो यही प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी। और निषेचन के उपरांत जो है क्या बनते हैं, जायगोटिक सेल्स बनते हैं। हम लोगों को याद रखना है कि निषेचन जो है ना, फर्टिलाइजेशन जो है कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन होगा, किसके आधार पर, कि ये युग्मक कहाँ फ्यूज करते हैं, मीडियम में करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर करते हैं, इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूजन ये युग्मक कहाँ मिलते हैं, शरीर के अंदर मिलते हैं कि शरीर के बाहर मिलते हैं। तो शरीर के बाहर होगा तो मीडियम होगा, हवा पानी इस तरह से मीडियम होगा। तो अगर बाहर बनेंगे ना, मिलेंगे ना फर्टिलाइजेशन, क्या बोले, एक्सटर्नल, और दूसरा होगा, दूसरा जो है हम लोगों का क्या है, वो इंटरनल यानी इनसाइड बॉडी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल, क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। तो निषेचन नर मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोले, लेकिन निषेचन जो है ना जीव शरीर के अंदर में हो रहा है कि बाहर हो रहा है, तो अगर बाहर होएगा, नर और मादा युग्मक का मिलान होगा, तो उसे हम लोग बाह्य बोलेंगे। जैसे मत्स्यों में होता है, उभयचरों में होता है, इसमें क्या होंगे, बाह्य निषेचन होता है, और ये जो है आपके आंतरिक निषेचन जो विकसित प्राणियों में होता है, हायर प्लांट्स में होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मास पर जाते हैं, ब्लॉट करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक ये दोनों चल करके, चाहे वो किसी भी मेथड से हों, चल करके या दोनों चल करके क्या करेंगे, एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, संयोग करेंगे, जैसे हम लोग क्या बोले, फर्टिलाइजेशन बोले, दो युग्मकों का मिलान बोले, किसको, निषेचन को बोलते, निषेचन दो, एक्सटर्नल और इंटरनल, क्या बोले, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो उसके बाद का क्या होगा, जो प्रोसेस है हम लोगों का, क्या होना है, चाहे नर मूव करे या नर मादा, दोनों मूवमेंट हो, यानी ट्रांसफरेशन होना है, तो क्या होगा, फ्यूजन होएगा। फ्यूजन जो होगा तो क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे। क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे। क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, 2N बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका, क्योंकि यहाँ क्या होता है, परिणाम स्वरूप होता है ना नर और, क्योंकि यह क्या होता है, परिणाम स्वरूप होता है नर और मादा युग्मक का, क्योंकि जब ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो बनाते हैं 2N, यानी कि N और N।
बन गए 2N, जिसको हम लोग जायगोट बोले, और इसी जायगोट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। तो नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका बोले किसको? जायगोट को। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मनज, युग्मनज। और यह परिणाम स्वरूप नर और मादा का होता है। तो फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन में क्या होंगे, इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो क्या है, डिवीजन का, क्या है, डिवीजन का और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का है। यानी कि क्या होना है, डिवीजन से सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होनी है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन से क्या होगा, क्या होगा, लेवर ऑफ डिवीजन। तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, लेवर ऑफ क्या होगा, डिवीजन होगा, कोशिकाओं के कार्यों में बंटवारा होगा। तो इस तरह से क्या बनते हैं, क्या बनेंगे, भ्रूण बनेंगे, क्या बनेंगे, भ्रूण, भ्रूण। इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं, क्या बोलेंगे, भ्रूणोद्भव। यानी कि भ्रूण का निर्माण जो है ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोस, क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जायगोटिक सेल्स, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द जायगोटिक सेल्स। यानी कि भ्रूण का निर्माण कब, जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद जायगोट सेल्स बनेंगे और जायगोट में डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा। तो इस कंडीशंस में क्या होंगे, एक किसका, भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण, भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस से आप क्या समझे, जैसे कि एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो मतलब होता है भ्रूण, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एम्ब्रायोजेनेसिस दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, एम्ब्रायो जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होगा। किससे होगा, तो जायगोट सेल से होगा, यानी युग्मनज से होंगे, और युग्मनज से कैसे होगा, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जायगोटिक सेल्स, क्या चीज, फ्रॉम द जायगोटिक सेल्स। तो इस कंडीशंस में क्या होंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाएंगे, क्या होंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के घटनाक्रम में जो है ना, तीन प्रक्रियाएं शामिल होती है, तीन प्रोसेस होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले क्या क्या होगा, युग्मक बनेंगे और उसका स्थानांतरण होगा, युग्मक बनेंगे, स्थानांतरण होगा, युग्मक के बनने में जो है आइसो, एनाइसो और ओगैमेट्स, उसके बाद ट्रांसफर होगा, कहाँ होगा, मीडियम में होगा, कि जो है आपके किसी जीव शरीर के अंदर होंगे, कौन से मोटाइल होंगे, तो नर युग्मक मोटाइल होते हैं विकसित प्राणियों और एनिमल्स में, और नर और मादा दोनों होता है अविकसित यानी लोअर प्लांट्स एनिमल्स में। उसके बाद बाह्य फर्टिलाइजेशंस, आंतरिक फर्टिलाइजेशंस, जिसको हम लोग आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन बोले, फर्टिलाइजेशंस को हम लोग बांट दिए दो हिस्सों में, इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर और अंदर होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल दिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में आपके क्या है, जायगोटिक फॉर्मेशंस हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, तो जायगोट बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग के क्या करने वाले हैं, भ्रूण का निर्माण होने वाला, और यही भ्रूण जो है ना बनाएंगे क्या चीज, ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे डिवीजन के बाद। तो तीन घटनाएं, कितनी घटनाएं, तीन घटनाएं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस।